सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जरूरत से ज्यादा मिले उसको कहते हैं नसीब। भगवान का दिया सब कुछ है फिर भी रोता है उसे कहते हैं बदनसीब। और कुछ भी ना होकर भी खुश रहता है उसको कहते हैं खुशनसीब। ख्वाहिश मनुष्य को जीने नहीं देती और मनुष्य ख्वाहिश को मरने नहीं देता। आज का पंचांग 16 अगस्त 2020 दिन रविवार, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, दोपहर 1:50 तक रहेगी। इसके उपरांत त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आद्रा नामक नक्षत्र सुबह 7:03 तक रहेगी। इसके उपरांत पुनर्वशु नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 5:12 से 6:48 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:58 से 12:51 तक रहेगा। आज चंद्रमा मिथुन राशि पर रात्रि 12:53 तक रहेगी। इसके उपरांत कर्क राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य शाम 7:17 तक कर्क राशि पर रहेंगे। इसके उपरांत सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। मकर राशि 16 अगस्त 2020 दिन रविवार, संबंधों में उलझन दोहरे अर्थों वाली बातचीत तथा गलतफहमियां आज पूरे दिन आप पर हावी रहेगी, लेकिन इससे किसी नुकसान की बजाय मनोरंजन की उम्मीद ज्यादा है, इसलिए इसके बारे में चिंता करने की बजाय अपने मूड को हल्का फुल्का रखें और हो रही घटनाओं का आनंद उठाएं। यदि आप ऐसा करेंगे तो दिन बहुत खुशनुमा गुजरेगा। आज किसी प्रिय मित्र के साथ महत्वपूर्ण मुद्दों पर सलाह मशवरा होगा। उसके नजदीकी पावर आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण रास्ता खोल सकती है। मनोरंजन संबंधित गतिविधियों में भी समय व्यतीत होगा। आज आपको अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों के प्रति ज्यादा सतर्क और सहज रहना होगा। कामों को टालने से आपकी मुसीबत बढ़ सकती है। आपको महत्वपूर्ण मामलों पर जोर देने की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन सावधान रहें क्योंकि कोई आपको देख रहा है, इसीलिए आज किसी भी तरह की लापरवाही या आलस ना आने दें, यह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। सावधानियां, अपने पर्सनल काम में व्यस्तता के कारण अपने रिश्तेदारों को नजरअंदाज ना करें, इससे उनके साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं। बच्चों की गतिविधियों व संगति पर भी नजर रखें। लव लाइफ की बात करें तो अच्छा, आपको अपने बुजुर्ग रिश्तेदार के स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। आपके अन्य बातों में व्यस्त होने की संभावना है, जिसकी वजह से आप अपने साथी को समय नहीं दे पाएंगे, परंतु आपको अपने साथी से बहुमूल्य व्यवहारिक और भावनात्मक समर्थन मिलेगा। आपका साथी आज वित्तीय मामलों में भी आपकी मदद कर सकता है, इसलिए अपनी प्रशंसा दिखाना ना भूलें, चाहे वह एक लघु रूप में क्यों ना हो। करियर की बात करें तो अच्छा, आपको अपने कार्य करने के लिए विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि आपके वरिष्ठ अधिकारी बारीकी से आपकी प्रगति को देखेंगे। वे आपके समर्पण भाव और मजबूत नेतृत्व के गुणों से प्रभावित होंगे। आज आपके थोड़े अधिक प्रयासों से आपके करियर को नई गति मिल सकती है, क्योंकि आपके वरिष्ठ अधिकारी आपकी इस गुण को ध्यान से देखेंगे। सेहत की बात करें तो बीमारी के लक्षण आज खूब दिखेंगे और आपको काफी परेशानी होने वाली है, लेकिन आप यह सब कुछ ही संभाल लेंगे। दिखाई दे रहे लक्षणों को समझने की कोशिश करें, इससे आपको बीमारी के जड़ तक पहुंचने और उसका पता लगाने में मदद मिलेगी। इन्फेक्शन को दूर करने के तरीकों पर काम करें और
आपकी कई बीमारियां तो ऐसे ही दूर हो जाएगी जिसके बारे में आपको पता भी नहीं है। अपना सेहत का पूरी तरह से ख्याल रखें, घर से बाहर कम ही जाएं, आपके लिए अच्छा रहेगा। आज का उपाय, आज आप तांबे का दान करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।